अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनम होम रेमेडी चैनल के मौसिस नाजरीन सामईन, आपको मैं अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो का आगाज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करने से करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। व्यूवर, गले में केरा गिरना या बलगम की शिकायत बहुत सारे लोगों को हुआ करती है। व्यूवर, से सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको आपके मसले से रिलेटेड वीडियो समझ नहीं आ रही तो सामने देखिए प्लेलिस्ट, इसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई गई हैं ताकि प्लेलिस्ट में जाके आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो को हासिल कर सकें। जो लोग सिगरेट और नसवार का इस्तेमाल करते हैं इन लोगों को ये तकलीफ ज़्यादा होती है। इसी तरह खट्टी चीज़ें और ठंडे मशरूबात की ज़्यादती से भी ये शिकायत हो जाया करती है। ऐसे लोग हर वक्त थोड़ा थोड़ा खांसते रहते हैं और अपने गले को साफ करने की कोशिश करते रहते हैं, इसके बावजूद गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान नुस्खा पेश करने वाली हूँ, कुछ दिन आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह इस मसले से निजात मिल जाएगी। इसके लिए आपने करना क्या है आइए जानते हैं। आपने हर रोज सुबह सवेरे हाथ मुंह धोने और कुली करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 7 अदद बादाम की गिरियां और 3 दाने काली मिर्च के आपने मुंह में डालकर खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने हैं, ठीक है। याद रखिए, आपने इसको अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है, इंशाल्लाह इस मसले से निजात मिल जाएगी। आपका जो गले में कीड़े का गिरना और बलगम का आना वो खत्म हो जाएगा। रुकिए, मजीद आगे जाने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। और इतने बड़े यूट्यूब में आप हमारे चैनल को कैसे सर्च करेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप सबसे पहले हासिल कर सकें। कुछ अरसे तक मुसलसल इसको इस्तेमाल करें और दिमाग की जो कमजोरी है, दिमागी कमजोरी वो भी दूर हो जाएगी, नज़र में इजाफा होगा, असाबी कमजोरी, पठों की कमजोरी से भी इंशाअल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी रेमेडी पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह अज़्ज़ो जल आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से, हर तकलीफ से दूर रखे। आमीन।